check the given number is even or odd number. Means कई बार इस टाइप का प्रोग्राम पूछ लिया जाता है आप लोगों से. आपके पास अगर कोई भी नंबर अवेलेबल लाइक सम इंटीजर नंबर, देन चेक द गिवन नंबर इज इवन और ऑड. एज वी नो फॉर एग्जाम्पल सपोजेड अगर आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर्स अवेलेबल लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन लाइक दैट. इस केस में इवन नंबर्स कौन से होंगे? जितने भी नंबर्स 2 के मल्टीपल्स हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. इस ऑल नंबर्स विच इज मल्टीपल ऑफ 2 इज नोन एज इवन नंबर्स. अगर कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल है तो उसको कंसीडर करेंगे ऑलवेज इवन नंबर अदर देन कंसीडर्ड एज ऑड नंबर्स. इस केस में 1, 3, 5 इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, इट इज कंसीडर्ड एज ऑड नंबर्स. फाइनली इवन और ऑड नंबर्स के केसेस में फॉर्मूला क्या रहेगा? इस केस में एनी नंबर डिविजिबल बाई 2 और मल्टीपल ऑफ 2 नॉन एज इवन नंबर. किसी भी नंबर को टेस्ट करना, चेक द गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2 और नॉट. प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था चेक द गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट. देन इस केस में लॉजिक्स क्या प्रोवाइड किए थे? अगर किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर 0 के इक्वलेंट है, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 3, अगर किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर 0 आता, पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे? आइदर 0 और 1 और 2. मीन्स रिमाइंडर्स के रिस्पेक्ट में 2 पॉसिबल केस होंगे, रिमाइंडर या तो 0 आएगा या फिर नॉन जीरो. जीरो मीन्स मल्टीपल, नॉन जीरो मीन्स नॉट अ मल्टीपल. सेम एज अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पर पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे? आइदर 0 एंड 1. पर नंबर अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 है देन इवन. इवन के केस में रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0. और ऑड के केस में रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1. जितने भी नंबर्स गिवन हैं इनमें से अगर आप इवन नंबर्स को पुट करोगे, इवन नंबर्स के केसेस में ऑलवेज रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0. फॉर एग्जांपल्स लाइक 2, 4. अगर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे देन इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? 2 मॉडुलो बाय 2 रिमाइंडर इज 0. सेम एज अगर 4 को 2 से डिवाइड करोगे, 4 मॉड्यूलो बाई 2 इक्वल 0, इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? ऑल्सो 0. बट सपोज सेड अगर कोई नंबर है लाइक 7, 7 इज नॉट ए इवन नंबर. अगर 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, 7 मॉड्यूलो बाई 2, इस केस में रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1, विच इज फॉल्स. लाइक दैट इस टाइप से गिवन कंडीशंस के बेस पर इवन और ऑड नंबर टेस्ट करना पॉसिबल है. दिस द कंडीशन फॉर चेक द गिवन नंबर इज इवन. सेम एज ऑड नंबर के लिए कंडीशन टेस्ट करना यूज क्या करेंगे? नंबर मॉड्यूलो बाई 2, अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 है देन इसका टाइप क्या होगा? ऑलवेज ऑड नंबर्स. देन सेम प्रॉब्लम अगर आपको सी प्रोग्राम्स के थ्रू सॉल्व करना है, देन सी प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में राइट क्या करेंगे? सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या होगा? डिक्लेयरिंग ऑल रिक्वायर्ड वेरिएबल्स और प्रोवाइडिंग डिक्लेरेशंस फॉर ऑल रिक्वायर्ड वेरिएबल्स. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओनली सिंगल वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा कॉल्ड एज नंबर, समथिंग इंटीजर नंबर्स लाइक दैट. नेक्स्ट वन, सेकेंड स्टेप, रीडिंग इनपुट्स यूजिंग कीबोर्ड विद द हेल्प ऑफ स्कैनएफ फंक्शंस. वी आर प्रोवाइडिंग सम मैसेज एंटर नंबर. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, इनपुट्स को रीड कराने के लिए यूज क्या करेंगे? स्कैनएफ फंक्शन, स्कैनएफ परसेंट डी एड्रेस एट नंबर लाइक दैट. देन नेक्स्ट स्टेप, चेक द गिवन नंबर इज इवन और नॉट. मीन्स कंडीशंस इफ के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे. इफ कंडीशंस या तो इवन के लिए राइट करोगे या फिर ऑड के लिए. सपोज अगर मैं इवन नंबर्स के लिए कंडीशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, इवन के लिए कंडीशन क्या है? अगर कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल है, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 2, और इसके अगर इस पर्टिकुलर ऑपरेशन केस में रिमाइंडर 0 के इक्विवेलेंट जनरेट होगा, देन 0 इक्वल 0 कन्वर्ट किस में हो जाएगा? एज अ ट्रू. ट्रू मीन्स देन इफ के बॉडी पार्ट में डिस्प्ले कराएंगे एज अ प्रिंट एफ नंबर इज इवन, और सिंपली वी कैन डिस्प्ले इवन. नेक्स्ट पॉसिबल केस क्या हुआ? मीन्स किसी भी कंडीशन टेस्टिंग केस में पॉसिबल केसेस क्या हुआ? कंडीशन या तो ट्रू होगा या कंडीशन फॉल्स होगा. कंडीशन फॉल्स है, एग्जीक्यूशन किसका हुआ? एल्स ब्लॉक.
else block के अंदर similar message speaker आ रहे हैं like printf given number is odd, this speaker आएंगे message as odd like this is the logic for testing given number is even or odd again सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन इस पूरे प्रॉब्लम के अंदर ओनली सिंगल वेरिएबल यूज किया नंबर इसलिए डिक्लेरेशन भी कितने वेरिएबल्स के लिए प्रोवाइड करेंगे ओनली फॉर सिंगल वेरिएबल्स नेक्स्ट वन सेकंड स्टेप रीडिंग इनपुट्स यूजिंग स्कैनफ फंक्शंस इनपुट किस फॉर्म में रीड कराओ इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स नेक्स्ट वन अप्लाइंग प्रोसेसिंग लॉजिक्स एंड डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स प्रोसेसिंग लॉजिक्स के नंबर के लिए ऑपरेशन अप्लाई करेंगे मीन्स गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ टू और नॉट और कोई भी नंबर टू का मल्टीपल है देन इसका रिमाइंडर क्या आएगा जीरो अगर रिमाइंडर जीरो देन जीरो इक्वल इक्वल जीरो इज फॉल्स ट्रू अगर जीरो को जीरो से कंपेयर कराएं देन रिजल्ट क्या आएगा ट्रू ट्रू के अकॉर्डिंग डिस्प्ले क्या होगा बॉडी ऑफ इफ अदरवाइज बॉडी ऑफ एल्स फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी सम केस फर्स्ट वन जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेमोरी एलोकेट कराएंगे लोकल वेरिएबल नंबर इनिशियल वैल्यू गार्बेज देन मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर नंबर देन स्कैनएफ स्कैनएफ के केस में सपोज दैट मैंने प्रेस किया समथिंग 13 नेक्स्ट वन देन उसके जस्ट बाद परफॉर्म किया होगा मॉड्यूलो ऑपरेशन और कंडीशन टेस्टिंग 13 मॉड्यूलो बाई 2 13 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो इस केस में डिवीजन कितनी बार होगा इसका 6 टाइम्स प्लस रिमाइंडर क्या आएगा 1 फाइनल इसका रिजल्ट क्या आ रहा है इस ऑपरेशन का 1 कंडीशन इज 1 इक्वल इक्वल 0 कंडीशन इज फॉल्स फॉल्स है तो उस केस में कंट्रोल कांस्टेंट कराए इनसाइड बॉडी ऑफ एल्स ब्लॉक के अकॉर्डिंग करेस्पॉन्डिंग मैसेज क्या डिस्प्ले जाएगा मैसेज एज ऑड सेम है अगर सिमिलरली इस प्लेस पर अगर आप 12 सप्लाई करोगे 12 के इसमें नंबर का वैल्यू क्या आसान होगा 12 एंड 12 मॉड्यूलो बाय 2 इज रिमाइंडर इज 0 0 इक्वल इक्वल 0 इज ट्रू देन इसके अकॉर्डिंग क्या डिस्प्ले होगा इवन लाइक दैट